कौन सा दिन था जब आप खुल के मुस्कुरा रहे थे, बेवजह या फिर किसी खास वजह से, पर छोटे बच्चे की तरह खुल के मुस्कुरा रहे थे? वो कौन सा दिन था, वो कौन सी शाम थी जब आपने किसी को बड़े प्यार से गले लगाया था, दिल की सारी ब्लेसिंग्स उन्हीं को दे दी थी जस्ट बिकॉज वो एग्जिस्ट करते हैं? वो कौन सी शाम थी और वो कौन सी रात थी जब तारों की चादर को लपेट के समंदर के पास आप बैठे थे और अपने मन के म्यूजिक को सुन के खुद ही को पा रहे थे? वो कौन सी रात थी? वेल, ऐसे ही कुछ चार दिन, चार शाम और चार रात में जी के आया हूं, खुद को जी के आया हूं। तो चलो वही कहानी सुनाता हूं। हाय, मेरा नाम है वशिष्ठ, रमता जोगी वशिष्ठ। मुझे कहानियां कहना और घूमना बड़ा पसंद है, और जब दोनों साथ में हो तो बात ही क्या है। कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे पता चला कि गोवा में हैंडपेंट आर्टिस्ट की गैदरिंग होने वाली है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, जिस साल से मैं गोवा नहीं गया था ना, शायद उसी साल से ये गैदरिंग के बारे में मैंने बहुत सुना था। सोचा कि अब बहुत हुआ, इस बार तो जाना ही पड़ेगा। तो बस इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स बनाए, ट्रेन की टिकट बुक की और हमने झूला उठा के चल दिए। अब आप पूछेंगे कि अरे तुम और ट्रेन में? मैं पूछूं हाँ क्यों नहीं यार, ट्रेन की राइड इतनी अंडररेटेड क्यों है? अनजाने लोग लंबी जर्नी में जाने पहचाने से बन जाते हैं। हर बर्थ में जैसे फैमिली पिकनिक चल रहा होता है, किसी बच्चे के साथ खेलना हो जाता है। सामने बैठे दादा दादी की काफ़ी सेटल्ड लाइफ को देख के कैसे एक दूसरे को ख्याल रखते हैं, उनके प्यार से ज़्यादा प्यार कर जाता, ये भी हो जाता है। और ऊपर से हर 10 मिनट में एक सुनहरी आवाज़, चाय, चाय गरम, ओ भाई साहब क्या ही सुकून। एंड ट्रस्ट मी, हर स्टेशन की चाय और वहां के खाने की एक चीज बहुत गजब होती है। और फिर खिड़की के बाहर चलते नजारों की तो बात ही क्या करें। भले लास्ट मोमेंट पे टिकट की फ्लाइट मुझे महंगी पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने ट्रेन की टिकट बुक की, पर उन 16 घंटों ने क्या ही शुरुआत कराई है इस सफर की। मतलब सनराइज से लेके सनसेट तक एक ऐसी राइड मैंने देखी है, इतनी जिंदगियां देखी है, इतनी आवाजें सुनी है, कि जैसे पहली बार जिंदगी असल में जी रहा हूं वैसा महसूस हुआ, वो भी इतने चंद लम्हों में। फिर तो बस हमारा हैंडपेंट का फेस्टिवल शुरू हुआ। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पहली बार में ही सब आपको अपनेपन से वेलकम करें? एक बहुत ही फ्रेंडली वाइब उस जगह में हो, क्योंकि लोग दिल से उतने फ्रेंडली हैं, आपको देख के बहुत हैप्पी है। क्या ऐसी जगह पे आप कभी गए हैं? सच बताऊँ तो शायद ऐसा पहली बार में अनुभव करना मुश्किल है, पर वेल हमने किया। इस कम्युनिटी का हिस्सा ना मैं पहली बार बना था, पर कुछ ही पलों में जैसे कई दिनों से एक दूसरे को जानते हैं वैसा वाला माहौल था। कुछ ही घंटों में हम हमारे कमरे में सेटल हुए, और उसके बाद जिस जिस कमरे में जहां जहां से इंस्ट्रूमेंट की आवाज आए वहां पे घुस जाओ, बैठ जाओ और लुत्फ उठाओ।
हर कमरे में अलग तरह का जैमिंग, कहीं एक और इंस्ट्रूमेंट, कहीं एक और इंस्ट्रूमेंट, कहीं एक और वाइब, कहीं एक दूसरी वाइब, बट बेसिकली हैप्पी वाइब, म्यूजिकल वाइब हर एक कमरे में। एंड बाय द वे, कमरे से बाहर भी निकलो ना तो भी वही हाल, दिन को जैमिंग, फिर थोड़ा खाना और फिर रात को फेस्टिवल का आगाज। यार एक सच बात बताऊं वी फैम, किसी म्यूजिक फेस्टिवल को अटेंड करने के बाद किसी आर्टिस्ट को दिल से झप्पी मारियो ना, ऐसा बहुत वक्त के बाद हुआ है। ऐसा लगा है कि यार कितना ब्लेस्ड है ये इंसान, और वही सारी ब्लेसिंग उन्होंने अपने म्यूजिक, अपनी मौसिकी के जरिए हमारे ऊपर डाल दी। ओहो हो, आई फेल्ट सो ब्लेस्ड लिसनिंग टू दोज आर्टिस्ट, सो आई हैड टू यू नो ऐसे नमन करना और उसके बाद उनको गले लगाना एंड थैंक यू कहना। ऐसा बहुत वक्त के बाद हुआ और ऐसा बोलते बोलते भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई थिंक उसी का नाम जिंदगी है। हाँ यू नो, मुझे अभी भी याद है कुछ 20-25 मिनट के लिए मैं खो गया था। आई वॉज इन दैट मेडिटेटिव जोन वाइल द लास्ट सेट ऑफ सेकेंड और थर्ड डे वॉज गोइंग ऑन एंड आई वॉज कम्प्लीटली वॉज विथ माई सेल्फ। आई फेल्ट अलाइव, खुद के साथ दैट रिकनेक्शन वाला मोमेंट। In that moment, those 20-25 minutes, आपको पता है वो सेट खत्म हुआ, शो पूरा हुआ, उसके बाद भी कुछ एक डेढ़ घंटे तक मेरे अंदर वही सब चल रहा था, वही सब vibrations और वही सब musical pieces बज रहे थे। मैं बारी बारी अलग अलग तरह से जिंदा हो रहा था। What else do you need in life? Yeah, I was smiling like a baby, I was dancing like a free bird. आई वॉज लाइक मूविंग, मैंने कंटेम्प्रेरी में जो भी मूव्स सीखे हैं उनको मैं बैठे बैठे हूँ। ओहो क्या ही कहें, मतलब ऐसा किसी जगह पे जाना और वो एनेबल कर पाना, वो भी किसी अननोन आर्टिस्ट से, दैट्स नेक्स्ट लेवल। वो जिंदगी जी के आए हैं हम। इट फेल्ट सो लिबरेटेड। या यू नो वी फैम, बहुत वक्त के बाद ये रमता जोगी 100%, और ये प्रिसाइसली कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ, 100% अलाइव एंड प्रेजेंट इन द मोमेंट फील कर रहा था। दैट्स रेयर राइट, पर फिर भी वो हुआ। एंड जस्ट सोचो कि आप 100% अलाइव फील कर रहे हो, जिंदा, और उसका रियलाइजेशन, क्या ही वाइब। एंड ऑल्सो सोने पे सुहागा टाइप्स दो मोमेंट्स हुई, उसमें से एक मोमेंट जब सुबह के 6 बजे में चलते चलते निकल पड़ा, ऐसे ही बीच पे चलेंगे, हैंड पैन प्ले करेंगे, वैसी सारी बात। बीच पे पहुंचते ही एक शख्स से मुलाकात हुई, थोड़ी बहुत बात हुई, इंटरेस्ट बढ़ा, तो बोले कि चाय पीनी है। अब कोई चाय को कैसे ना बोल सकता है, इट्स लाइक ऑफकोर्स इट्स लाइक अ रिटोरिकल क्वेश्चन, यस। तो चलो चाय पीने चलते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि वो शायद कोई गेस्ट होंगे उस रिजॉर्ट के। Apparently he was the owner of that resort. फिर है ना वहाँ पे बैठ के दुनिया की बातें, ट्रैवल डायरीज की बातें, बाइकिंग की बातें, गोवा के मौसम की बातें एंड व्हाट नॉट, सभी तरह की बातें हुई, चाय, ब्रेकफास्ट और बातें, एंड दैट टू अंडर द छाया ऑफ कोकोनट ट्रीज, और उसकी भी हिस्ट्री, उसकी भी मिस्ट्री, वो सारी बातें। एंड ऑल्सो जैसे ही हम वो रिजॉर्ट में एंटर हुए ना, तो सबसे पहले मुझे दिखे बुद्धा, बुद्धा की बड़ी सी मूर्ति, और वहाँ पे बैठ के मैंने हैंड पैन प्ले किया, वहाँ पे बैठ के मैंने मेडिटेशन किया, वहाँ पे बैठ के समंदर से बातें की, खुद से बातें की, क्या ही शुरुआत। और बस फिर बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि फेस्टिवल में। और उसके बाद ऑन द लास्ट डे व्हाइल वी वर जस्ट जैमिंग इन द रूम, my uncle came and he's like, this sounds nice, I think you guys should perform on stage. We thought ke shayad good aise mazak kar rahe hain, hum actually stage pe the bhai sahab, aapka ramta jogi after lockdown for the first time, na hi poetry, na hi storytelling, nothing else,
एक नया इंस्ट्रूमेंट जो उसने सिर्फ 15 दिन पहले प्ले करना शुरू किया है वो बजा रहा है। दैट्स माई फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस इन 2021। अमेजिंग फीलिंग, आहा। सो वो था सोने पे सुहागा नंबर 2 मोमेंट, नेक्स्ट लेवल। और क्या चाहिए, अनएक्सपेक्टेड खुशी। अब बताइए कैसा लगे जब आप उसी वंडरलैंड से वापस आ रहे हो, बहुत वक्त के बाद। वो जो डाउनर वाली फीलिंग होती है ना, कि आप तीनों दिन ऑलमोस्ट 35 आवर्स अच्छा म्यूजिक अच्छी वाइब्स, अच्छा म्यूजिक अच्छी वाइब्स, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल, वो सारा महसूस करके आए हो एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर इन द नॉर्मल जोन। वो मिस होता है ना, वो ट्रेन छूट गई है या फिर अब अलविदा कह दिया है, वैसी वाली फीलिंग। एंड देन यू रीविजिट ऑल दोज वीडियोज, ऑल दोज म्यूजिक पीसेज दैट यू हैव रिकॉर्डेड, ऑल दोज मोमेंट्स, यू रिलिव दोज मोमेंट्स एंड देन यू फील ये मेरे को बहुत टाइम तक जीना है। रमता जोगी वाइब इसी को कहते हैं। तो यही वाइब लेके फिर से जिंदा होके मैं आ गया हूँ वापस। आई एम नॉट किडिंग, नॉट इवन कश्मीर, नॉट इवन हिमाचल, दिस इज द ट्रिप जहाँ पे आई हैव फेल्ट कम्प्लीटली अलाइव। हाँ, लास्ट डे पे एक गोची हुआ था, बट ठीक है, एक 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 ट्रैवल का एक्सपीरियंस गोची के बिना पूरा नहीं होता है। छोटा सा एक्सीडेंट था बट कुछ नहीं हुआ था, एंड मेरी कैब भी छूटने वाली थी, दैट मीन्स मेरी फ्लाइट भी छूटने वाली थी, बट एवरीथिंग वॉज सुपर ऑसम के सब अच्छा ही होने वाला था, वो लिखा हुआ था, जस्ट गुड वाइब्स। यू नो व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, एक ऐसी दुनिया जो नॉन जजमेंटल है, अपने अंदर जो अच्छा ही है वो दूसरों के साथ बांट रहे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो फील कर रहे हैं। यू आर स्माइलिंग व्हाइल यू आर टॉकिंग टू समबडी, एंड इट्स नॉट द फेक स्माइल और उनको दिखाने के लिए नहीं, पर सच में महसूस हो रही है वो मुस्कान। ये सारी वाइब्स वाला जो जहां है ना, वैसे जहां में हमें रहना है या फिर वैसा जहां बनाना है। सो दैट्स द लर्निंग, कि अगर आपको ऐसे कोई जहां में ऐसी कोई ट्राइब मिल जाती है ना, तो दैट्स योर वाइब, दैट्स इट। यू शुड क्रेव फॉर सच काइंड ऑफ ट्राइब्स जो आपकी वाइब को ठीक करें, बाकी सब चंगा से। सो इसी वाइब को जीके में आया हूँ, एंड आई फील अलाइव, आई फील रिजुवेनेटेड, रिकनेक्टेड टू माई सेल्फ, एंड आई एम थिंकिंग कि वही वाइब को मैं थ्रू माई वीडियोज, थ्रू माई पोएट्रीज, थ्रू ऑल दोज क्रिएशंस, थ्रू हैंड पेंट म्यूजिक वीडियोज आपके साथ शेयर करूँगा, एंड आई होप दैट यू इन्जॉय दैट। क्या तो चले मेरी जान, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई होप कि आपको मेरी ये जोनी पसंद आई होगी, अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, व्हाटएवर, मुझे तो सब अच्छा लगा। तो जो भी हो वो बताते रहिएगा इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वेयर शुड आई ट्रैवल, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, एंड इफ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली, कीप मुस्कुराना, बाय बाय। अरे 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 भाई साहब, अरे 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 कहाँ कहाँ कहाँ, ये नो 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 नो, आर यू गोइंग टू, अले ले अले मेरी जान, आ जा आ जा आ जा, जा। अरे ओ हो अले कॉन्फिडेंस गेन करेगा और फिर खुद का मारेगा। अरे 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 ओके आ जा, अले मेरी जान कैसा है तू, बटका नहीं बापान, बटका नहीं। आई शाबाश, लुक एट दैट हैप्पी पपी, शांत पपी और यह शांत समंदर, ओ हो, क्या ही कॉम्बिनेशन। और मैं अभी